तो भाई आज हम लोग ना भाई तीन बाइक्स की ड्रैग मारने वाले हैं, जिसमें हमारी R1 V4 है, वर्जन 3 है एंड MT15 है। बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सी बाइक तीनों में से जीतने वाली है, और जिसका कमेंट सही होगा ना उसका कमेंट उसका नाम मैं अपने आगे ब्लॉग में लूंगा पक्का। ये क्या हो रहा है भाई, MT आगे। तो गाइस तो निकल गए भाई अपने घर से, और हमने इंट्रो शूट नहीं किया, इंट्रो में आगे जाके शूट करेंगे। अपना भाई आज बहुत दिनों के बाद कन्नू भाई आया है, देखो कन्नू डार्लिंग मेरी आई है। मैं बहुत टाइम पहले इनके साथ व्लॉग बनाता था, और बीच में भाई अपने काम वाम पे सारे बिजी हो गए थे, व्लॉग नहीं बना पाए। एंड देख लो भाई वर्जन 3 में दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशन हो रखी है, मतलब सिंपल छोटी सी मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत ही है। एंड बाइक जो है वो बहुत क्यूट लगती है। हमारे आगे एक FZ वाला जा रहा है भाई कट मारते हुए, तो चलते हैं भाई लबू भाई के पास। आज हमारे साथ होने वाली है भाई तीन बाइकें, यामा की भाई सारी बेस्ट से बेस्ट सेगमेंट वाली, हमारी R5 V4, कन्नू की R5 V3, और एक होने वाली है MT15। और हम तीनों बाइक की करेंगे आज ड्रैग रेस। तो देखते हैं भाई तीनों में से, तीनों बाइक्स में से सबसे अच्छी पोटेंशियल, सबसे अच्छा ओ ओ ओ ओ, ओ अच्छे के चक्कर में कान रहा हो जाए। मज़ा चलाने में किसको आता है भाई, वो चेक करेंगे हम लोग आज यार। भाई इसको देखता हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं भी टेल टाइडी लगा लूँ मैं बाइक में, क्योंकि ना टेल टाइडी की वजह से टायर की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आती है। और मैंने अपनी बाइक में 160 सेक्शन का टायर लगाया हुआ, पर लगता ही नहीं है देख के यार, क्योंकि ना नंबर प्लेट जो हमारी जो होता है ना मड गार्ड की वजह से मोस्ट टायर कवर हो जाता है, तो बिना मड गार्ड के भाई काफ़ी प्यारा लगता है। तो देखते हैं यार, सोच रहा हूँ लगवा लूँगा अपनी बाइक में, पैसे नहीं जुड़ते यार। 150 सेक्शन का टायर हमने इसमें डलाया हुआ है, और मेरे बाइक में लगा है भाई 160 नंबर लगा हुआ है, तो ये भी ठीक है यार। मिनिमम हमारे बाइक के लिए ना 100-150 मतलब ठीक रहता है। इसकी है भाई वर्जन 3 non ABS, तो हम चलेंगे भाई प्यार से मोहब्बत से थोड़ा आराम आराम से, एंड देखते क्या रहता है। देखो क्या कंट्रोल, मतलब हैंडलिंग सीटिंग पोजीशन है इसकी डाउन है यार, मेरी वर्जन 4 की सीटिंग पोजीशन थोड़ी ऊँची है। अबे तेरा हैंडल बड़ा हार्ड है क्या चक्कर, आजा भाई वर्जन 3 की साउंड सुनो आप। ओहो, तो भाई आज हम लोग ना भाई तीन बाइक्स की ड्रैग मारने वाले हैं, जिसमें हमारी R1 V4 है, वर्जन 3 है एंड MT15 है, जो कि भाई 150 सेक्शन में तीनों की तीनों ही बेस्ट बाइक है। और नेट स्पोर्ट में MT का कोई मुकाबला ही नहीं यार, स्टंट्स के लिए ना एकदम बेस्ट बाइक है वो वाली। तो चलते हैं भाई रिंग रोड डब्बू भैया के पास, जिनके पास भाई जो हमारे ऑनर है MT15 के, तो उनके साथ मिलेंगे एंड अपना मारेंगे भाई रिंग रोड के ऊपर एक लॉन्ग स्ट्रेच, मतलब कि ड्रैग मारेंगे जो सही एक्चुअल ड्रैग होती है, और देखते हैं भाई कौन सी बाइक जीतने वाली है। यार आराम से क्रॉसिंग है, तो गाइस अभी हम अपनी ड्रैग वाली लोकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ से कोई वहाँ से लेके ये खुली सीधी रोड है, यहाँ पे हम आराम से दो दो बाइकों को ड्रैग मार सकते हैं आराम से। ड्रैग का मतलब ये होता है कि भाई फर्स्ट गियर से लेके फोर्थ शिफ्ट तक आप देखो पोटेंशियल बाइक की क्या होती है ना। तो भाई हमारे सामने खड़ी है ये दो, जिसके बाद अभी हम करने लगे ड्रैग है, खड़ी है MT15 सॉरी ये वाली MT15 और एक हमारी R15 V3। तो MT15 भाई अच्छे से मॉडिफाइड हो रखी है, तो कभी इसके भी हम मॉडिफिकेशन ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी आपको मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, दोनों बाइकों में जो रियर टायर है ना वो 150 सेक्शन के डले हुए हैं, और इंजन भी सेम ही है। तो देखते हैं भाई फेयरिंग एंड नॉन फेयरिंग में से कौन सी बाइक जो अपनी आगे निकलती है। तो आप लोग पहले कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सी वाली बाइक निकल सकती है, तो जिसका कमेंट सही होगा ना भाई उसका कमेंट में अगले व्लॉग में मैं नाम लेने वाला हूँ। पहले हम इन दोनों की करेंगे, इसके बाद हम लोग मारेंगे भाई R15 अपनी वाली जो सर्विस हो रही है उसको बाहर निकालेंगे, तो भाई फिर तीनों बाइक को भी इकट्ठे करने वाले हैं। तो MT है ना, MT काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मशीन है यार, देख लो इसमें बैठने का मज़ा आता है एंड स्टंट भी बहुत आराम से बच जाते हैं इसमें। तो अभी चलते हैं, तो इनिशियल तो भाई MT का ज़्यादा है, क्योंकि भाई MT में क्या है कि स्पॉकेट छोटा होता है, तो इसकी वजह से MT में जो है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, इस बाइक में जो भाई रियर स्पॉकेट है ना वो भैया ने चेंज करवा रखा है, मतलब कि
ये जो है ना भाई, ये डला हुआ है, देखो कहाँ गया, सॉरी इस साइड, ये डला हुआ भाई R15 वाला जो होता है हमारा, जो MT का ओरिजिनल होता है ना, वो थोड़ा साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो टॉर्क है ना MT ज़्यादा अच्छा देती है, लेकिन भैया ने चेंज करवाया हुआ है, तो दोनों में अभी इस पॉकेट सेम ही डले हैं, तो देखते हैं भाई BHP मैच करती है कि नहीं करती। यार क्या बोलता है, जीत जाएगी तेरी मेरी, पहली मान गया MT जीत जाएगी, ये होता है भाई बाइक का खौफ। देखते हैं, हॉर्न में मार रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं गाइस कौन सी निकलती है आगे, तो शुरू करते हैं। अब तक तो भाई बिल्कुल मुकाबला नहीं है, भाई 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 MT ही आगे रही है, MT का ही भाई ज्यादा आया टॉर्क, और अभी मैं अच्छे से खींच नहीं पा रही क्योंकि हमें खुली रोड नहीं है, टर्न छोटा है, तो भाई देखते हैं आगे जाके बाद में बाइक को अच्छे से खींचेंगे। यार क्या बोलता है, चल आजा, अब रोकना मत, ठीक है, थ्रॉटल कम मत करना, थ्रॉटल कम मत करना, चल भाई। मैंने थोड़ा सा छोड़ा होगा, पता आपको, मैंने अभी बिल्कुल पुश मारी नहीं है इसकी, मैंने MT की पूरी पुश की नहीं है अभी यार, अभी ये थोड़ा मतलब कि R15 से ये आगे निकल रही है, क्योंकि मैंने थोड़ा पूरा दिया नहीं, आराम से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको, तो देखते हैं अब क्या बढ़ता है, कर खींच कर, देखो चेक करो, ये देखो पास मार देगी इसको, ये चेक करो यार, देख रहे हो भाई, मज़े से आगे निकल जाती है, मज़े से यार, मज़े से आगे निकल जाती है। तुम सबको पता है जिनके पास भी R5 है ना, या Version 3, अभी यहाँ कोई बाइक ऑन करता है, उन सबको पता है कि भाई टॉर्क जो है ना भाई MT का, उसमें कोई मुकाबला नहीं है। BHP वैसे उसका अच्छा ही है, पर पॉकेट ज़्यादा होने की वजह से ना वो मेरे ख्याल से टॉप 138-140 इतना ही चढ़ती है, जबकि हमारी R5 है ना वो हमारी 150 तो चली आती है। तो तेरा क्या एक्सपीरियंस है कन्नू MT को लेकर Version 3 को लेकर? अगर इन दोनों के बीच में ड्रैग रेस होगी तो जो प्रॉपर शिफ्ट कर जाएगा तो वो ड्रैग जीत जाएगा, अगर टॉप एंड की बात की जाए तो वो Version 3 ही जीतेगा, उससे नहीं जीत पाएगी वो MT। BHP तो भाई ऑब्वियस बात है, R5 फेयरिंग बाइक है, तो वो भाई उसकी BHP ज़्यादा होगी, तो टॉप एंड ही ड्रैग एक्चुअली वही होती है, 300-400 मीटर का जो स्ट्रेच होता है उसी को बोलते हैं भाई ड्रैग रेस। तो ड्रैग हम लोग अब करेंगे तीनों बाइकों की, पहले चलते हैं यार अपनी बाइक लेके आते हैं वहाँ से, वो भैया बेचारे फंस गए हुए हैं तो चेन ठीक करनी है, फिर हम जाएंगे R5 हमारे Version 3 Version 4 और MT तीनों का ड्रैग मारेंगे, और ये देख रहे भाई। बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताओगे भाई कौन सी बाइक तीनों में से जीतने वाली है, और जिसका कमेंट सही होगा ना उसका कमेंट, उसका नाम मैं अपने अगले ब्लॉग में लूँगा पक्का। तो पहले कमेंट करो और बताओ भाई कौन सी बाइक दो तीनों में से परफेक्ट है, कौन सी जीतेगी ड्रैग रेस में। आ चुकी है भाई हमारी रिंग रोड, जहाँ पे हम बाइक्स को स्ट्रेच मार सकते हैं, तो भाई याद रखना, तो भाई स्ट्रेच मार से देखते हैं भाई अब कौन सी बाइक आगे निकलती है, और किस किस बंदे का हम नाम अपनी वीडियोस में लेने वाले हैं, जो बंदा हमारी वीडियो में कमेंट करने वाला है, तो देखते हैं भाई किसका जवाब सच होता है। भाई बहुत ज़्यादा गैप हो गया ये तो, देखते हैं भाई MT और R15 की टक्कर क्या, किससे किसकी बेस्ट रहती है। MT ने तो बहुत खतरनाक वाला गैप दे दिया यार। चल खींच 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 खींचो 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 आ जाओ, देखते हैं भाई R15 Version 4 में से MT। Version 3 तो पीछे ही है देख रहे हो, और Version MT को देखते क्या करता है, बहुत पावर है यार MT में, और चलाने वाला बंदा भी परफेक्ट है। BHP में पीछे हो जाती है, ये चेक करो, BHP में भाई पीछे हो जाती है। स्टॉप ही चेक करो, बात है गाइस यहाँ से भगाते हैं, क्या बात है भाई, स्टंटिंग के लिए परफेक्ट मशीन है MT यार। भाई MT पीछे रह गई है, चलो कमान, अभी तो Version 3 को पीछे करेंगे, फिर MT को करेंगे बारी बारी। ना कमान, आ जाओ, देख रहे मैंने धीरे कर दिया इसको, स्लो कर दिया है भाई मैंने इसको, स्लो किया, अब देखते हैं दोनों पीछे करवाते कि नहीं करवाते इनको। राइडर तो अपनी पोजीशन ले चुके हैं दोनों,
एमजी तो बेकाबू हो गई है भाई। एक बार डाउन होना पड़ेगा यार। क्या बात है यार, क्या बात है। सही है गाइस, सही है भाई, सही से तुम्हारा यार। चलो लास्ट फाइनल सेकंड गियर से, ठीक है वहां तक फाइनल है, लास्ट फाइनल वहां पे सेकंड गियर से। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो खींचो, तो आ जाओ। चलो आ जाओ, चलो आप नहीं छोड़ूंगा मैं, इस बार नहीं मैं छोड़ूंगा गाइस। ये क्या हो रहा है भाई, एमटी आगे कैसे जा रही है। ओ बर्तन त्री कहां से आ गया भाई। क्या बात है यार, तीनों मशीन का कोई मुकाबला नहीं है यार, इतनी प्यारे है ना, इतनी प्यारी सेगमेंट है ना भाई। ओहो, मेरे को तो पता नहीं लगा कौन सी बाइक जीत रही है, कौन सी क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन इतना पता है कि भाई एमटी का ना इस सेगमेंट में नेक्स्ट स्पोर्ट्स में कोई मुकाबला नहीं है यार। एक बात बताऊँ यार, एमटी का कोई मुकाबला नहीं है, और हमारी बाइक भी सही चल रही है, स्मूथ चल रही है। V3 V4 है ना भाई, इनिशियल बहुत कम छोड़ते हैं। V4 का जो इनिशियल है ना वो V3 के मुकाबले में बड़ा कम है, क्योंकि यार ये जब इसको आप पिकअप लेते हो ना तो ये थोड़ा सा लेट भाई पकड़ती है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि अगर थ्रॉटल दोगे ना तो थ्रॉटल में वो V3 इससे आगे निकल जाती है, तो बस यही एक है। बाकी अब तक तो भाई V3 जो है ना वो हर एक मुकाबले में पीछे रही है, पता नहीं उसका क्या रीज़न है। और तो अगर देखी जाए V3 की पावर ज़्यादा अच्छी है इससे। अगर मैं अपना ओपिनियन, तो मुझे लग रहा था कि MT इनिशियल में आगे निकलेगी, जो कि हुआ, फिर V3 रहेगी, फिर हमारी V4 आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। MT को BHP में तो भाई हमारी मशीन आगे है, कोई डाउट नहीं कि RFA का BHP ज़्यादा है MT15 से। तो भाई ये टक्कर थी हमारी, तो देखते चलो। आप लोग मुझे बताओ कि भाई जो नेक्स्ट ड्रैग है ना वो किसकी होनी चाहिए, किन दो बाइक्स की हम लास्ट में ड्रैग करें, तो उसी की ड्रैग अगली बार आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कर देना, एंड कमेंट में नाम आने वाले भाइयों के तो करो भाई। मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस। फाइनली गाइस, ये जानू भाई की खुशी देखो भाई, चेहरे पे स्माइल देखो भाई, रिएक्शन देख रहे हो, ये देखो देख रही है, ये देख लो कैसे हिल रही है इसको भाई। DP किलर का भाई, इतनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लाउडली आवाज़ है भाई। तो फाइनली का यहाँ पे मेरी ऐसा थोड़ी आ गई है, कैसे आई, मतलब क्या सीन है वापस, कैसे क्या सीन हुआ, मतलब और टेनर अभी लेनी है यानी क्या सीन है, लोगे लेकिन अभी नहीं, होली के बाद। क्या बात है भाई, दो सुपर बाइक होने वाली हाउस में, और ये सुपर बाइक इन द हाउस आ चुकी है। क्या बात है, क्योंकि भाई ZX टेनर हो रही थी डिले, होली के बाद मिल रही थी, हमें चाहिए थी होली से पहले। क्या बात है यार।